हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जिन बच्चों की ईआर आई है या जिन बच्चों की आरए आई है, उन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। वो ये पूछ रहे हैं बार बार हमसे कि सर रिजल्ट कब आएगा, या फिर जो हमने ईआर का फॉर्म भरा है उसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसे तमाम आपके जो डाउट्स हैं, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। साथ ही साथ मैंने उस एक काले सच को भी आपके सामने रखा है जो एसओएल की अब की बार ओबीई एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर है। आशा करता हूं आपको जो वो वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ आप उसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। देखो, वीडियो आप स्वाइप करके भी देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी क्या होगा हमारे साथ में, क्या हमारा एक साल बर्बाद जाएगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है आपके, अगर आपको दोबारा पेपर देना होगा तो कब दोगे, या उससे अच्छा एक कोई और सोल्यूशन भी हो सकता है। ऐसे तमाम क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों के लिए कह रहा था कि कम्प्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, और वो कम्प्लीट वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए ला भी चुका हूं। 4 बजे का टाइम 22 तारीख आज ही आप लोगों के लिए आई है। हो सकता है इस वीडियो को कुछ दिनों बाद आप देखें, मे बी, तो तब भी आप देख सकते हो। जब भी आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी होगा, जरूरी नहीं है अगर आज हम कोई आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आज ही आप उसको देख लें। हो सकता है एक दो दिन आप बाद देखते हैं उसे। सो गाइज, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। कोई भी क्वेरी इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए हमें। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, उस पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। इसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जैसे फेसबुक अगर आप यूजर हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी आप लोगों के लिए अपडेट्स हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, देखिए उस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताना अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो, या आपकी तरफ से आपको लग रहा हो कि नहीं भाई इसमें ये कमी रह गई, तो मुझे वो कमी भी बताना, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगली बार आप लोगों के लिए और से अच्छी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उनको मैं और अच्छी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।